मॉस्को में आईएसआईएस के आतंकी हमले से रूस हिल गया है। इस आतंकी हमले का जख्म लंबे समय तक रूस को परेशान करेगा। रूस में जिस तरीके से बेगुनाहों पर आतंकियों ने गोलियां चलाई, वो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन सालों साल नहीं भूल पाएंगे। मॉस्को में कॉन्सर्ट हॉल में हमला बता रहा है कि कैसे आईएस ने पूरी प्लानिंग के साथ इस हमले को अंजाम दिया। रूस जैसे शक्तिशाली देश की सुरक्षा को भेदने के लिए आईएस आतंकियों ने खतरनाक प्लान बनाया। मॉस्को में हुए इस हमले में 130 से ज्यादा लोग मारे गए और करीब 200 लोग घायल हैं। इस कायराना हमले के पीछे दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकी संगठनों में से एक माने जाने वाले आईएसआईएस का हाथ है। क्रोकस सिटी हॉल में इस हमले की जिम्मेदारी आईएसआईएस की यूनिट आईएसआईएस के ने ली है। आईएस ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखकर ये बताया कि उसी के लड़ाकों ने इस हमले को अंजाम दिया है और ये भी दावा किया कि हमले के बाद हमलावर सुरक्षित वहां से निकल गए। वहीं अमेरिका ने भी कहा है कि उसने पहले ही रूस को आईएसआईएस के इन मंसूबों के बारे में आगाह किया था। मॉस्को के जिस क्रोकस सिटी हॉल कॉन्सर्ट वेन्यू को निशाना बनाया गया, वहां अटैक के वक्त 5 लोगों ने ओपन फायरिंग की और बम फेंके। इस हमले के बाद अफरा तफरी मच गई। हमले के बाद आग की ऊंची लपटें और धू धू कर उठता धुआं दिखा, जबकि लोगों की चीख पुकार भी सुनाई दी। इस हमले को आईएसआईएस की अफगान शाखा ने अंजाम दिया, जिसे आईएसआईएस के नाम से जाना जाता है। इस्लामिक स्टेट के का मतलब इस्लामिक स्टेट की अफगानिस्तान शाखा है। इसका पूरा नाम इस्लामिक स्टेट खुरासान है और ये नाम उस क्षेत्र के लिए पुराने शब्द पर रखा गया है जिसमें ईरान, तुर्कमेनिस्तान और अफगानिस्तान के कुछ हिस्से शामिल हैं। आईएसआईएस इससे पहले भी रूस को निशाना बना चुका है, जिसमें 2019 में 3 रूसी अधिकारियों पर हमला किया गया था। 2022 में काबुल में हुए रूसी दूतावास पर हमले के पीछे भी आईएसआईएस का ही हाथ था। आईएसआईएस ने हाल ही में पुतिन का काफी विरोध किया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आईएसआईएस रूस को मुसलमानों पर अत्याचार करने वाला मानते हैं। आईएसआईएस रूस पर मुस्लिमों का खून करने का भी आरोप लगाता रहा है। रूस पर इस हमले के बाद अब पुतिन आईएसआईएस से हमले की तैयारी में है। पुतिन किसी भी तरह मॉस्को में हुए आतंकी हमले का बदला लेना चाहते हैं और रूस की सुरक्षा के लिए पुतिन ऐसा जरूर करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकारी अधिकारियों के साथ बैठक में पुतिन ने कहा कि हत्याएं इस्लामी चरमपंथियों द्वारा की गई है। ऐसे में पुतिन के बयान से साफ है कि रूस इस हमले का बदला जरूर लेगा। टाइम्स ऑफ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।